फैक्ट नंबर वन, पाकिस्तान के सत्ताधारी पार्टी के सांसद 49 साल के टीवी होस्ट आमिर लियाकत हुसैन ने 18 साल की लड़की साइदा दानिया शाह से अपनी तीसरी शादी करके सबको चौंका दिया। जी हाँ गाइस, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस दिन उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी से तलाक लिया उसी दिन उन्होंने 18 साल की लड़की से तीसरी शादी की। इस शादी की खबर के बाद ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस और मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग लिख रहे हैं कि लोगों की यहाँ पर एक शादी नहीं हो रही और इन जनाब ने तीसरी शादी कर ली। वहीं दूसरी तरफ कई लोग उम्र के फासले को लेकर भी ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की उम्र में 31 साल का फासला है। कईयों का तो ये भी कहना है कि आमिर लियाकत भी अपने प्रधानमंत्री इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की भी 3 शादियां हो चुकी हैं। गाइज, आपकी इस शादी के बारे में क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 2, इस IAS परीक्षा का कठिनाई स्तर किसी से छिपा नहीं है, पर इसमें दो राय भी नहीं है कि जब हौसला बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी रास्ता नहीं रोक सकती हैं। पर आज हम जिनकी सफलता की कहानी आपको बताने जा रहे हैं उनकी चुनौती सबसे अलग थी। जी हाँ गाइज, हम बात कर रहे हैं देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल के बारे में, जहाँ तमाम तरह की सुविधाओं के बाद भी कैंडिडेट्स ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। वहीं प्रांजल ने जीवन के सबसे अभिन्न अंग आंखों के बिना ही ये परीक्षा ना केवल पास की बल्कि अच्छी रैंक भी लाई। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रांजल ने ये परीक्षा एक नहीं बल्कि 2 बार पास की है। फैक्ट नंबर 3, गाइज, ये कहानी है सतीश जी आनंद की, जिन्हें सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से 3 बार जॉब इंटरव्यू में नौकरी नहीं मिल पाई। दरअसल सतीश जी यूपी गोरखपुर के गांव के गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो घर से बिना बताए नौकरी ढूंढने के लिए लखनऊ आ गए, ताकि वो कुछ पैसे कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। लेकिन उन्हें किसी भी कंपनी में काम नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी और इसीलिए बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी सतीश जी सफल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और इंग्लिश सीखने की ठान ली। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही महीनों में उन्होंने इंग्लिश में इतनी अच्छी कमान कर ली कि उन्होंने इंग्लिश में एक नॉवेल लिख डाला। फैक्ट नंबर 4, गाइस, दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कहीं कहा था कि एक बार मेरे दोस्त बीच पर रेत का महल बना रहे थे, पर मैं वहीं पर बीच की बजाय पानी में रेत का महल बनाने की कोशिश कर रहा था और मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे थे। लेकिन आज उन्हीं दोस्तों को मैं अपना पाम आइलैंड दिखाने लेकर जाता हूं, जो कि इंसानों द्वारा पानी में बनाए गए रेत के किसी अजूबे से कम नहीं है। गाइज, यहां सीखने लायक बात यह है कि आप जिस चीज की कल्पना करते हो आप वो सब कुछ कर सकते हो, बस आपको जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की। फैक्ट नंबर 5, चुनाव में एक उम्मीदवार वोट पाने के लिए क्या क्या नहीं करता। लोगों के घर घर जाकर वोट मांगता है, अपना जी जान लगा देता है। लेकिन महाराष्ट्र चंद्रपुर के पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे एक भी वोट नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र इटेकर नाम के इस उम्मीदवार को न तो जनता ने वोट दिया, न ही परिवार के किसी सदस्य ने। और तो और उसका भरोसा देखिए, उस उम्मीदवार ने खुद को ही वोट नहीं दिया और इस तरह उसे एक भी वोट नहीं मिला, जिसके चलते वो चुनाव बुरी तरह हार गया। जरा सोचिए ऐसी क्या वजह रही होगी कि उस उम्मीदवार ने खुद को ही वोट नहीं दिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।